वेलकम बैक दोस्तों, आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 में जो आपका हिंदी का पेपर हो चुका है कक्षा 12वीं का, उसके हम सही विकल्प देखेंगे। सही विकल्प का चयन कीजिए कबीर की भाषा को कहा जाता है। तो ये जो अंडरलाइन वाले हैं इसके सही आंसर है सदुकड़ी पचमेल, सदुकड़ी या फिर पचमेल खिचड़ी, दोनों इस तरीके से रहेगा ये, तो आपको इसको लगाना है। खंडकाव्य पथ्य की निम्न की संरचना है रामरनेश त्रिपाठी, निम्न में से छायावादी कवि है सुमित्र नंदन पंत, अमृत राय है अमृत राय लिखा, तो ये अमृत राय किस प्रसिद्ध लेखक के पुत्र प्रेमचंद, कुएं की खुदाई किस औजार से की जाती है तो बसोली से की जाती है, जनसंचार के माध्यम है, तो ये सभी है, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। चित्रपट संगीत का पर्याय कहा जाता है लता मंगेशकर। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड, वर्णों की गिनती पर आधारित छंद को वाणिक छंद कहते हैं, और यदि यहाँ पर मात्राओं की गिनती के आधार पर जो छंद होता है उसे मात्रिक छंद कहते हैं, यहाँ पर वाणिक छंद सही हो जाएगा। तुम तो उल्लू हो वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है, घनघोर वर्षा के समय कवि की आंखों में स्मृतियाँ घर की, कबीरदास जी ने ईश्वर की एक सत्ता मानी है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, यह कथन प्रेमचंद कहानी का है तो नमक का दरोगा कहाँ है। यहाँ पर सत्य असत्य में पंचवटी काव्य महाकाव्य की श्रेणी में आता असत्य है। भक्तिकाल के प्रमुख कवि सूर तुलसी मतलब सूरदास मीरा और कबीरदास सत्य है। पुरोहित वंशीधर अपने पुत्र को पढ़ा लिखा और बड़ा आदमी बना चाहते हैं, यह भी सत्य है। मियाँ नसरुद्दीन केवल 5 किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे असत्य है। स्वर कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है यह भी असत्य है। और सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुख कुमार कवि है यह सत्य है। यहाँ पर पहला चौथा और पाँचवा सत्य बाकी सभी सत्य थे। अब यहाँ पर सही जोड़ पर आ जाइए, कबीरदास का जन्म तो यहाँ पर आ जाएगा दिल्ली के निकट सीही ग्राम, और ये लहर तारा एफ ये काट दीजिए किसी काम का नहीं है, तरसी जीरो माहेरो तो यहाँ पर मीराबाई ने, स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर अनुपम मिश्रा के द्वारा जो है राजस्थान की रजत बूंदे लिखी गई है, और शेखर जोशी के द्वारा गलता लोहा इसी के सामने ही आ जाएगा। और कहानी उपन्यास सम्राट तो प्रेमचंद को कहा जाता है। अब यहाँ पर एक शब्द के उत्तर पर आप आ जाइए, मीराबाई आजीवन किस इष्ट देव की आराधना करती है तो भगवान कृष्ण की, ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद में दिखाई देना। किन्हीं दो महाकाव्य और खंडों का नाम तो रामचरितमानस और महाभारत, ये आपके महाकाव्य हो गए, और पंचवटी और सुदामा चरित्र ये दोनों आपके खंडकाव्य हो गए। मुझे केवल मात्र इसको सही लिखना तो मुझे मात्र 5 रुपये चाहिए, केवल हटा देंगे आप। भक्तिकाल को कितने भागों में बांटा गया तो बहुत सारे भाग है, यहाँ पर आपको 2 लिखने थे, अलग अलग तरीके से 2 भागों में बांटा गया है। तो अगर हम देखा जाए तो सगुण और निर्गुण धारा में बांटा गया तो ये तो धाराएँ हो गई, लेकिन आपको सिर्फ इतना लिखना था भक्तिकाल को 2 भागों में बांटा गया है। और नाम लिखे तो आप सगुण निर्गुण लिख सकते हैं, और जो भाग है वो भी अलग से लिख सकते हैं जो इनके पहले डिवाइड हुए हैं। कबीरदास जी ने कुम्हार को ईश्वर का प्रतीक माना है, और छायावाद के आधार स्तंभ कवियों के नाम तो सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद। ये आपके क्वेश्चन थे आज के, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों फैमिली वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप इंग्लिश तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको मैं इंग्लिश की सब्जेक्ट की आपकी 9th से 12th तक की जितनी भी बुक्स हैं NCERT की उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, क्वेश्चन आंसर ग्रामर A to Z मैं आपकी तैयारी चैनल के माध्यम से करवाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए जिससे कि आपको हर चीज़ों के नोटिफिकेशन मिलते रहे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपको वहाँ पर वीडियो के अपडेट्स मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।